ये आरुष और आरुष की मम्मा जो है वो लेटे हुए हैं। कल सुबह हम लोग हरिद्वार के लिए निकलने वाले। ये आरुष के कपड़े, ये मम्मा के, ये मेरे थोड़े से अनप्रेस्ड हैं जो कि सुबह प्रेस हो जाएंगे निकलने से पहले। और इस टाइम जो है वो आरुष अपने इन कार्स के साथ खेल रहा है। बेबी इतना सीरियस क्यों हो? और ये आरुष की मम्मा बहुत देर से मेहनत कर करके थक गई है। एंड मैं भी थक गया हूँ। नींद आ रही है। द टाइम इज 12:45 तो अब हम जो है वो थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि हमें फिर 4 बजे उठ के तैयार होना है और फिर उसके बाद से हमें हरिद्वार निकलना है। तो ओके फ्रेंड्स, अभी सोते हैं और सुबह फिर दोबारा मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं अपने ट्रिप के लिए। मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली माई आउटफिट विच आई एम गोइंग टू वेयर। इट्स अ वेरी सिंपल कॉटन सूट, वेरी ब्यूटीफुल वाइट एंड येलो। नाउ आई एम कन्फ्यूज दैट विच इयरिंग आई शुड वेयर। मैंने निकाले हैं ये झुमके जो कि वाइट के साथ बहुत सुंदर लग रहे हैं, बट देन आई वॉन्ट टू वेयर पर्ल्स एंड आई हैव दीज ऑल्सो। आई थिंक ये भी बहुत अच्छे लगेंगे इसके साथ। हेलो, कौन सा पहनूं? आई थिंक आई शुड गिव अ ट्राई टू दिस एंड दिस, राइट? तो चलिए फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और फिर आती हूँ तो मैं देखती हूँ ये दोनों में से कि कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आरुष अभी तक सो रहा है, इसको मैं अभी नहीं उठाना चाह रही। जब मैं और आकाश रेडी हो जाएंगे तब हम आरुष को उठा देंगे। हेलो पापा को भी दिखाओ। पापा हेलो कर लो। मामा डॉगी बोक कर ले। बोक ऐसे कर ले। डॉगी तो ऐसे नहीं करता है। हा? ऐसे तो कोई और करता है। नेशनल एनिमल टाइगर ये। और एक चीज तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये मैंने ली है नई जूती। तो कैसी लग रही है आप सबको? मुझे अपने आउटफिट के साथ ये बहुत प्यारी लगी, बहुत सूट कर रही थी। हेलो, हम सब अंबाला पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए आरुष? अंबाला। अब हम यहाँ से किसको किसको लेंगे? सबको लेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे हम सब लोग पहुँच चुके हैं कनखल। कनखल में हमारे गुरु जी का आश्रम है और ऑब्वियसली हमारा मेन रीजन हरिद्वार आने का कनखल ही था। तो यहाँ तो फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। हम लोग आश्रम में आ गए हैं। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। हाँ, इससे पहले मैं आपको गंगा का घाट दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हम सब ने किए बहुत अच्छे से दर्शन, और दर्शन करने के बाद हम गए बैक गेट से पीछे की तरफ। और देखिए यहाँ पे सबसे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये देखिए दूर दूर तक बहती हुई गंगा जी। मैं क्या बताऊँ आपको, ये एंड ऑफ अप्रैल चल रहा है और स्टिल यहाँ पे खड़े हो कि इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, और अंदर सिर्फ फैन चल रहा है, नो एसी, नो कूलर, नथिंग, बट सच एन अमेजिंग फीलिंग। और पीछे से ना मंदिर की आवाज़ें आ रही हैं, है ना, जो मंत्र उच्चारण हो रहे हैं वहाँ के, और मैं बता रही हूँ मुझे गूज बम्स फील हो रहे हैं। आई थिंक कहीं तो पूजा चल, मंदिर है ऊपर, लेट्स सी।
मैं इसका नंगू नंगू नहीं दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी इतना स्ट्रांग होगा, बिकॉज आई एम रियली यू नो सो स्केर्ड ऑफ वाटर, मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसको देखो सर, कह रहे मेरा हाथ छोड़ दो। और फिर कनखन से निकलने के बाद हम पहुंच गए प्रजापति दक्ष के मंदिर। यहाँ का अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा यज्ञ किया था दक्ष प्रजापति ने, और ये यज्ञ सब में बहुत भी स्टोरी पता हो तो वो सब उनका लास्ट और बहुत ही बड़ा यज्ञ था। तो हम सब यहाँ पे थोड़ी देर दर्शन करने के लिए रुके। यहाँ का सिग्निफिकेंस मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। वैसे आपको पता ही होगा कि कंथन क्षेत्र का दक्ष प्रजापति का ये मंदिर उनके हवन कुंड यहाँ पे था, जहाँ पे वो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ हुआ करता था। और ये है दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति मंदिर से आगे गंगा जी बह रही है। और इसको सती घाट की भी अपने आप में बहुत महत्व है, यहाँ की भी अपनी एक अलग मान्यता है। यहाँ पे आके अपने पति के पैर धुले जाते हैं, भगवान शिव के पैर जाता है, वो कपल हमेशा खुश रहता है। बहुत ही अपने आप में बहुत ही प्यारा सा, मैं भी करने जा रही हूँ, जेस्चर है टू शो योर लव। और मैंने भी यहाँ पे अपने पति के पानी में देखा तुरंत सूख भी जाता है, मुझे बहुत अच्छा। आगे बराबर करो मेरे, हमने थोड़ी सी अच्छी फोटोज ली, क्यूट लग रहा है। और फिर बस यहाँ से निकलने के बाद हम वापस हो गए। अब हमने सोचा कि हम हर की पौड़ी भी हो आते हैं, क्यों ना गंगा आरती देख के ही वापस जाया जाए। और ये देखिए, ये बहुत ही डरावना नजारा है। मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे नीचे जा रही हूँ, मैं साथ में पानी में बहुत तेज चक्कर आ रही है, झाकर तो ऐसा लगा जैसे पानी के साथ ही मैं फ्लो कर रही हूँ। चलो अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं सबको कहूँगी कि सबको साल में, एक साल में, दो साल में जब भी मौका मिले हरिद्वार जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे पति देव आ गए मुझे बुलाने के लिए कि चलो। फिर हम आके गए हर की पौड़ी पे, घाट पर बहुत तेज आ रही थी। और रश देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आपको पता है यहाँ पे अभी भी गंगा आरती होने में कम से कम 2 घंटे थे, और लेकिन उससे पहले ही लोगों ने अपनी सीट्स रिजर्व कर ली थी। किसी तरीके से हमने भी अपनी सीट, एक पेपर वहाँ पर अच्छा सेल करने के लिए आया था, हमने उसी से प्लास्टिक पेपर लिए और हम वहाँ पे बिछा के बैठ गए। मगर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा आयुष को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, भीड़ होने की वजह से गर्मी लग रही थी। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए। हमने गंगा आरती नहीं देखी क्योंकि अभी गंगा आरती शुरू होने में 2.5 घंटे का समय था, तो वो अपने आप में बहुत लंबा समय था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर थोड़े टाइम बाद बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर देते, पुलिस ब्लॉक कर देती है, अंदर नहीं आने दिया जाता है और बाहर भी किसी को नहीं जाने दिया जाता है। तो हम टाइम निकलते ही वहाँ से निकल लिए। तो ये थी हमारी हरिद्वार की जर्नी, मुझे बहुत मज़ा आया। आप सब लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।